कलर्स टीवी के सीरियल मेरा बालम थानेदार में आज है वीर के प्रमोशन की पार्टी, जहां वीर की तारीफ में बुलबुल स्पीच देने वाली है, वो भी इंग्लिश में। लेकिन कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि दृष्टि बुलबुल की स्पीच को रिप्लेस कर देती है और जिसमें ऐसी बातें लिखी होती है जिसे सुनकर वीर की माँ को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। सारी प्लानिंग दृष्टि की ही है वैसे तो। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि वीर के प्रमोशन की खुशी में फैसिलिटेट करने वाले हैं वीर को, तो उस खुशी में पार्टी रखी गई है और बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं। और दृष्टि को पता है कि बुलबुल को इंग्लिश नहीं आती है और उसने बहुत अच्छी तरीके से ऐसा कुछ प्लान किया है जैसे कि सारे लोग बुलबुल का मजाक उड़ाए और सबके सामने उसका थोड़ा तमाशा बने, तो वो फाइनली सक्सेसफुल हो भी जाती है ये करने में। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देखो। और जैसे ही ये बात बुलबुल के समझ आती है, वो तुरंत ही अपनी स्पीच को हिंदी में कहती है और साथ ही सभी से माफी मांगती है। इतना ही नहीं भाई, वो तो सभी को ये भी बता देती है कि वो सिर्फ 12th पास है और इसलिए उसे इंग्लिश नहीं आती। बुलबुल की ये सच्चाई देखकर वीर भी उसके लिए स्टैंड लेता है और साथ ही करता है अपनी बीवी की तारीफ, और दृष्टि का प्लान फिर एक बार फेल हो जाता है। अभी दृष्टि रुकेगी तो नहीं, क्योंकि अब वो बहुत कुछ करने के बाद फाइनली यहाँ वीर के घर पे आ चुकी है, तो ये तो श्योर है कि वो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद वो रुकने वाली नहीं है। वो और प्लान करेगी, और चीज़ें करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे कि वो वापस वीर को पा सके। वो रुकेगी तो नहीं, सो बहुत सारी प्लानिंग होने वाली है। भाई हम तो यही चाहेंगे कि वीर इसी तरह बुलबुल का हमेशा साथ दे, लेकिन दृष्टि इनकी जिंदगी में कौन से नए तूफान खड़े करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। हम सिर्फ सैटरडे को ही नहीं बल्कि 24/7 करते हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट की पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।